फिल्मों में 1100 गाने गाए हैं और 1200 से ज़्यादा कॉन्सर्ट किए हैं, ऐसे पद्मश्री शख्सियत हमारे साथ कैलाश खेर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत। सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, 7 जुलाई को आपको जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बर्थडे के दिन दो बैंड को एक कह सकते हैं कि एक मौका दिया है, नई उड़ान और नई उड़ान है जिसका नाम स्पर्श और AR डिवाइन, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। 7 जुलाई जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन मेरा जन्म भी हुआ और बहुत सारी प्रेरणाएं भी उतरी इस दुनिया में, और मेरे जन्म के साथ साथ मुझे भगवान ने ये भी समझाया कि भैया तू आ तो जा पृथ्वी पर, लेकिन जिम्मेदारी से जीना पड़ेगा। तो इसलिए पहले के दिन जो थे थोड़े बाल्यावस्था वो कष्टदायी रहे, और कष्टदायी जो रहते हैं उनके दिन थोड़े बाद में ऐसे होते हैं कि जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। जैसे ये चांदी है मैंने पहनी हुई है, आप देखिए अब चमक रही है, लेकिन ये कभी तप के निकली होगी आग से, तो जो आग में तपते हैं वो फिर थोड़ा चमक भी जाते हैं। तो जो चमक के साथ ज़िंदगी जीते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, और ज़िम्मेदारी ये बताती है कि जब आपका पेट भर जाए तो किसी और का भरना, जब आप पढ़ लिख जाएं तो किसी और को पढ़ाना, जब आप कुछ सीख जाएं तो किसी और को सिखाना। तो वही प्रेरणा से मैं 12 साल के करियर में और लगभग जितने भी मेरे गाने, जितना भी मेरी कॉन्सर्ट्स, जितना भी हमारे बैंड की ट्रैवलिंग हुई है, उसकी लर्निंग से ये सीखा है मैंने कि अब समय ऐसा आया है 10-12 वर्ष के बाद कि चलो अब जो कभी नहीं हुआ संगीत के इतिहास में वो करते हैं। और वो क्या है कि गायक ने गायक कभी लॉन्च नहीं किए, लेकिन चलो ये काम हम करते हैं, इस युग से प्रारंभ करते हैं अच्छे युग की शुरुआत। तो पिछले साल हमने 2 बैंड लॉन्च किए थे, वो मेरे जन्मदिन पर नहीं किया था, लेकिन बाद में अब हम हर वर्ष अपने जन्मदिन पर करते हैं ये कार्य। इस साल हमने 2 बैंड लॉन्च किए हैं, और पिछले साल जो 2 बैंड लॉन्च किए थे उनका नाम है श्रीकांत सुरफिरा एंड इंडी रूट्स। दे आर डूइंग वेल, दे आर स्प्रेडिंग म्यूजिक एवरीवेयर, दे आर एनलाइटनिंग पीपल बाय डूइंग लाइव कॉन्सर्ट्स, और दुनिया भर में तारीफ बटोर रहे हैं, यश गाथाएं उनकी हो रही हैं। और इस वर्ष हमने 2 बैंड लॉन्च किए हैं परसों, वो हैं AR डिवाइन यानी अभिषेक एंड रचित का AR आया, और डिवाइन मतलब ये धरती डिवाइन ही तो है, और बस ये है। तत्पश्चात जो दूसरा बैंड है उसका नाम है स्पर्श, स्पर्श मतलब छुअन, और छुअन का मतलब होता है तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊँ। तो इस तरह के 2 बैंड लॉन्च हुए हैं, दोनों में हुनर है, दोनों में दम है, दोनों में गुणवत्ता है। अब आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप कितना उनको बुलाएं, कितना सुनें, कितना गवाएं, कितनी रिकॉर्डिंग दें, कितना कॉन्सर्ट्स दें, कितना उनको बिजी करें जी। अगर आपके बचपन की बात करें तो आप मेरठ से हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और संगीत से एक अलग ही लगाव है 12 साल की उम्र में, उसके चलते अपने घर तक छोड़ दिया, तो उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, बेसिकली हम दिल्ली के हैं, मेरठ में तो मेरा जन्म हुआ था, लेकिन फिर दिल्ली में ही रहते थे मम्मी माँ पिताजी, और वहाँ से ही हम लोगों का थोड़ा सा ये रहा। लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा संगीत भी उसमें होता था कभी कभी, और स्पिरिचुअल माहौल था क्योंकि ब्राह्मण परिवार होता है, पूजा पाठ और ये सब का माहौल था। तो कभी भी जब चंद्र ग्रहण होता था, सूर्य ग्रहण होता था, तो घर में यज्ञ होता था। जब किसी का मान लीजिए जन्माष्टमी हुई या कोई ऐसे विशेष दिन हुए तो तब यज्ञ होते थे। तो हमको बेसिकली बाकी के जो शहरों में, महानगरों में जो जीवन जीते हैं, जिस तरह की शैली, उस तरह की बातें तब नहीं पता थी बाल्यावस्था में। तो उस तरह के जीवन में संगीत की तरफ मेरा आकर्षण हुआ, और शास्त्रीय संगीत का मुझे शुरू में आइडिया लगा कि पहले शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ता है, और मुझे ये ललक बढ़ी। और फिर मैंने जब घर में ये बताया कि नहीं मुझे संगीत को ही आगे बढ़ाना है और मैं थोड़ा इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसी से सीख, तो वो थोड़ा चकित हो गए सब, सब चकित हो गए, तो उनको पची नहीं बात, और जो बात कम पचती हो बड़ों को तो उसमें थोड़ा सा द्वंद्व हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। द्वंद्व होते ही
थोड़ा सा आपको डांट भी पड़ती है, डांट पड़ती है तो कभी कभी यदि आप ज़िद्दी हों तो आप घर आए छोड़ देते हैं। वही हमने किया, 13-14 साल के थे तब हमने गुस्से में घर छोड़ दिया था। कोई मन मुटाव हुआ पहले, और फिर संगीत भी उनमें से एक कारण बना। और फिर जब मैं अकेला रहने लगा, अकेले रहने के साथ बड़ी विपत्तियाँ होती हैं जी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और लड़की के लिए तो फिर भी एक बार सहानुभूति आ जाती है, कोई रिश्तेदार आएगा कुछ तो, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। लेकिन बॉयज़ की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा कठोर संसार होता है, और वो कठोरता का मैंने सामना किया। उस कठोरता से क्या हुआ कि जितना कठोर होता गया दुनियादारी का स्वरूप, उतना ही मेरे अंदर समझ लीजिए तासीर ऐसा बढ़ता गया कि सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिसे होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहाँ तक है। फिर तो मुझे कोई अगर सताता नहीं था, मुझे कोई अगर रुलाता नहीं था, कोई यातना नहीं देता था, मुझ पर कोई हंसता नहीं था, मुझ पर कोई उलाहना नहीं मारता था, कुछ कहावत नहीं मारता था जिसको हम ह्यूमिलिएट अंग्रेजी में बोलते हैं, नहीं करता था, तो मैं उस पर डाउट करता था फिर कि अच्छा लगता है ये कुछ दूर ले जा के मारेगा, अभी धीरे धीरे पहले प्यार से गुफा की तरफ लेके जा रहा है, जब गुफा में घुस जाऊंगा तब मारेगा ये वहाँ अंधेरे में क्योंकि भरोसा उठता गया धीरे धीरे दुनिया से ना। क्योंकि जब आप ऐसे होते हैं संगीत में आपको कामयाब होना है, भारत में संगीत की कोई व्यवस्थाएं हैं नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीका है नहीं, तो कोई इज्जत भी नहीं है। यदि मैं उसी अवस्था में सोचता कि चलो लेट मी डू सम MBA, लेट मी डू ग्रेजुएशन, लेट मी डू, तो वो जो नौकरी के लिए आप जब तैयार होते हैं तो उसकी इज्जत होती है लेकिन जब आप अपनी आत्मा के लिए, अपने आर्ट के लिए तैयार होते हैं, उसकी इज्जत नहीं होती। उनकी राह थोड़ी दुर्गम होती है, दुर्लभ होती है, कठिन होती है, विषम होती है। उसी वजह से ये हमारी राहें कठिन होते होते सर्वाइवल भी हमें करना है, दुनिया को बताना भी है, दुनिया जो नाटकबाज दुनिया है उसमें भी जीना है। उसमें जीने के लिए मैंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए, तो ऑड जॉब्स करते करते आपको अनेक अनुभव जुड़ जाते हैं, और वैसे ही अनुभव जुड़ते 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 संगीत जो है जिसके लिए आपने दुनिया छोड़ी, घर छोड़ा, वो थोड़ा बैक स्टेज पे आता रहा। और उस चक्कर में ये हुआ कि मैं 29 या 30 का हो गया था जब बॉम्बे आया तो यह पहली बार जब बॉम्बे में मैंने कदम धरा तब मैं 29 या 30 का ऑलरेडी हो चुका था। तो इस तरह से हुआ। फिर जब यहाँ आए तो यहाँ का अपना स्ट्रगल हुआ। यहाँ के स्ट्रगल में एक बात ये जुड़ी है कि 1-2 साल तो रहने और अपनी व्यवस्था बनाने में ही लग गए, उसके बाद लेकिन जब जैसे ही गाड़ी हमारी हिली, बस वो गाड़ी हिली नहीं, फिर सीधा रॉकेट बनी। तो अब वो सारे जहाज जो उड़ रहे थे, अचानक जब रॉकेट ऐसे उड़ा उनके पास से, तो जहाज़ों ने पूछना शुरू कर दिया सब ने कि भाई यार तो है इतना सा, उड़ इतनी तेज रहा है कि हमें भी छोड़ दिया तूने पीछे। तो मैंने फिर बताया कि हाँ पेट्रोल भी ज़्यादा, आग भी देख लो ना किसके पिछवाड़े पे ज़्यादा लगी है। तो वैसे हुआ फिर जी। अब मुंबई की बात करें अगर, तो जब आप मुंबई में आए तो क्या आपको बहुत आसानी से ब्रेक मिल गया या कितना स्ट्रगल था उसके पीछे? नहीं, कोई हमें अभी तक ना ब्रेक मिला है ना एक्सीलेटर मिला है, ईश्वर की एक कृपा मिली है। और उसके लिए मैं इस तरह से ऐसे सवालों का, मैं कन्वेंशनल सवालों का कन्वेंशनल उत्तर भी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि ब्रेक नहीं मिला हमको। हमको एक ईश्वर का एक प्रवाह मिला जिसको मैं फ्लो बोलता हूँ। ऐसा मिला कि मैं यहाँ आया था अपनी एल्बम बनाने, लेकिन मेरी आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी और पहले जिंगल्स गवाने शुरू किए, उसके बाद जिंगल्स के बाद सीधा फिल्मों में गवाने शुरू कर दिया। फिल्मों में एक गाना बड़ा हिट हो गया हमारा, उसका नाम था अल्लाह के बंदे। और अल्लाह के बंदे के बाद तो फिर आप सब जानते ही हैं, फिर हमारी एल्बम भी आ गई कैलासा, जिसमें तेरी दीवानी, तौबा तौबा ये गाने बने। तो इस तरह से जीवन शुरू हुआ। जीवन शुरू होते ही वो रॉकेट स्पीड पे हुआ है, अभी भी हम उसी स्पीड पे हैं। कहने को गाने फिल्मों में थोड़े थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कम भी बहुत दम वाले हैं। अभी पिछली बार ये शिवाय फिल्म में आया तगड़ा गाना तेरे नाल इश्का, उसके बाद बाहुबली के दोनों बाहुबली में सुपर डुपर हिट गाने आए। तो इस तरह से जो भी गाने हमारे आ रहे हैं वो बहुत तगड़े हो जाते हैं।
जो आप गाने लिखते हैं या जो गाते हैं, तो उसकी थीम जो होती है वो आप किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से आप वो गाने बनाते हैं? हम ज़्यादातर देखिए इस दुनिया में प्रेम की बहुत आवश्यकता है, आपसी भाईचारे, आपसी प्रेम, समन्वय, अपनेपन की बहुत ज़रूरत है। बातें बहुत लोग करते हैं, हारमनी, अपनापन और एक दूसरे से मिलन मिलान की बातें, लेकिन जीने की अभ्यास में बहुत कम है। ज़्यादातर लोग एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, और बस वैसे ही जीवन जीते जीते लोग मर भी रहे हैं। तो ऐसे में प्रेम ही हमारा शीर्षक होता है, और हम ज़्यादातर श्रृंगार रस, जिसको अंग्रेजी में रोमांस, रोमांटिक बोलते हैं, रोमांटिक गाने गाते बनाते हैं, हम लिखते भी हैं, चाहे वो तेरी दीवानी हो, चाहे वो सैयां हो, चाहे वो अलबेलिया हो, चाहे वो इश्क अनोखा हो।